हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। और आज मैं अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ वैनक्यू का डिस्प्ले। वैनक्यू कंपनी के बारे में थोड़ा बता देता हूँ, आप लोगों ने कई लोगों ने सुना नहीं होगा। ये कंपनी काफ़ी दिनों से स्टेब्लिश है, इंडिया में भी और फॉरेन में भी काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट कर रही है। और यहाँ पर जो वैनक्यू है वो स्पेशलाइज्ड है डिस्प्ले और प्रोजेक्टर्स वगैरह में, आपने देखा होगा और ये डिस्प्ले भी अब बनाने लगे हैं। काफ़ी अच्छा इनका डिस्प्ले का जो स्पेसिफिकेशन है पेपर ऑन पेपर तो काफ़ी सही लग रहा है। चलिए अब इसे अनबॉक्स करके देखते हैं कि ये वाकई में जो प्राइस रेंज में डिस्प्ले मुहैया करा रहे हैं, क्या ये वाकई में अदर कंपनी जैसे कि HP और सैमसंग वगैरह से काफ़ी अच्छे हैं या फिर वही उन्हीं के लेवल पे हैं। तो चलिए फटाफट अनबॉक्स करते हैं। इसे मैंने फ्लिपकार्ट से ऑर्डर किया था तकरीबन 14,000 रुपये में, और इसे अब हम अनबॉक्स करते हैं। पैकिंग आप देख रहे हैं कि मतलब ये अंदर बॉक्स है और फ्लिपकार्ट द्वारा क्या पैकिंग की गई है, मतलब बस बबल रैप लगा के दे दिया। ये पता नहीं सही होगा कि नहीं। वैसे भी मैं आपको बता देता हूँ, मैंने कई बार वीडियो में जिक्र किया है कि आप जब भी कोई प्रोडक्ट ऑनलाइन मंगाते हैं ना, तो उसे सबसे पहले मतलब ऐसी वीडियो बनाते हुए अनबॉक्स करें, वन कट मतलब बिना टेक के वीडियो बनाएं। उससे होगा क्या कि अगर आपका प्रोडक्ट डैमेज निकलता है तो आप क्लेम कर पाएंगे और क्लेम के लिए आपके पास एक प्रूफ रहेगा। तो मैं यही राय दूंगा कि जब भी आप कोई भाई या वर्क मतलब पैसे वाला ज़्यादा जिसमें आपने इन्वेस्ट किया है ऐसा कुछ मंगाएं, तो उसे ज़रूर वीडियो बना के अनबॉक्स करें। दोस्तों एक चीज़ और, इस टाइम पे आप कुछ भी मंगा रहे हैं ध्यान रखिएगा कि ये बहुत लोगों के हाथों से और कुरियर कंपनियों की गाड़ियों से होते हुए आ रहा है। मेरे पास अभी ग्लव्स नहीं था तो मैं इसके बाद हाथ सैनिटाइज़ कर लूँगा, तो आप भी इस चीज़ों का ध्यान रखिए। अगर आपके पास ग्लव्स है तो प्लीज़ ग्लव्स पहन के ही चीज़ों को अनबॉक्स करें और फिर उसे सैनिटाइज करके फिर यूज़ में लें। चलते हैं। बॉक्स थोड़ा मुझे डैमेज लग रहा है, बस स्क्रीन ना हो, पूरा का पूरा एकदम होल है और मुझे स्क्रीन फील हो रहा है, यहाँ पे स्क्रीन भी है। तो अभी देखते हैं क्या सीन है। तो मैं डब्बे में दिखा दूँ आपको क्या क्या यहाँ पे यूएस के बॉक्स है। यहाँ पे आप मॉडल नंबर देख सकते हैं 2780 है जी, और यहाँ पे आपको मिल जाएगा HDMI पोर्ट मिल जाएगा और ये फुल HD है, और डिस्प्ले पोर्ट आपको मिल जाएगा, और यहाँ पे ब्रेजल जो है बहुत ही कम है ना। आप जैसे कि यहाँ पे देख रहे होंगे कि स्क्रीन जो है बहुत ही एज तक है। डिस्प्ले पॉट ये डी और पी है, तो इसका मतलब है इसमें डिस्प्ले पॉट है। डिस्प्ले पॉट आपको गेमिंग जो करते हैं उनके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा, जो रिस्पांस टाइम है बहुत कम हो जाता है इसमें। चलिए इसे हम अनबॉक्स करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको एक HDMI केबल मिल जा रही है, आई थिंक 1 मीटर होगी, काफ़ी छोटी है, आपको एक्सटर्नल लेना ही पड़ेगा। और यहाँ पे आपको यूज़र मैनुअल मिल जाएगा, इसमें एक CD भी है, आई थिंक सेटअप के लिए होगा कुछ, देखते हैं बाद में। और यहाँ पावर कॉर्ड है, यहाँ पे अडाप्टर आपको नहीं देंगे क्योंकि आई थिंक सारे डिस्प्ले के अंदर ही सारा कुछ रहेगा। ये स्टैंड है
और आई थिंक ये मेटल है, बहुत हैवी है ये, सो इसे भी हम साइड में रखते हैं अभी। और ये क्या है, ओ ये भी बहुत भारी है, ये भी शायद स्टैंड का ही पार्ट है, इसे हम बाद में अभी देखते हैं थोड़ी देर में इसे कैसे। ओके हाइट एडजस्टेबल आपको यहाँ पे तो नहीं मिलेगा, बट आई थिंक केबल मैनेजमेंट के लिए यहाँ से शायद केबल जाती है अंदर, और ये इधर से अनलॉक अनलॉक होता है। ये ऐसे है ना, और ये मेटल है पूरा पीस, ये जो है मेटल का, सो इसे भी अभी साइड में रखते हैं। और डिस्प्ले तो काफ़ी सही है, मतलब जो ऊपर से क्वालिटी है काफ़ी प्रीमियम लग रही है। और यहाँ पे शायद आई थिंक कुछ है, यहाँ पे आपको बैजिंग दिख जाएगी, और पता नहीं क्यों आवाज़ कर रहा है ये, कुछ तो टूटा हुआ है या तो नट गिरा हुआ है, कुछ तो टूटा हुआ है इसमें। चलिए देखते हैं चला के, अगर नहीं चलता तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, इसे रिटर्न में डालना पड़ेगा मुझे। सो पीछे की मैं बात करता हूँ, यहाँ पे आपको क्या क्या मिल जाता है, डिस्प्ले पोर्ट, HDMI, VGA, और ये यहाँ पे ऑडियो के लिए है ना, और यहाँ पे आपका पावर कॉर्ड लगेगा, और ये कुछ मैनुअल बटन्स हैं। और इसमें जो स्पीकर्स हैं 4 वॉट के दो स्पीकर हैं, तो आपको टोटल जो आउटपुट मिल जाएगा 8 वॉट का स्पीकर करेगा, एक नॉर्मल LED TV जितना ही रहता है। सो अब इसे हम यहाँ पे आप वॉल माउंट भी कर सकते हैं, वॉल माउंटिंग के लिए यहाँ पे आपको दिया हुआ है, 10x10 का है। सो अभी हम इसे अब लगा के देखते हैं। नीचे काफ़ी ठीक है, और यहाँ पर मेरा फिंगरप्रिंट रख दिया। सो पसीने निकल गए, पंखा ऑफ करके बनाना पड़ता है साउंड की वजह से। सो अभी इसमें हम फटाफट ऑन करके देखते हैं, और आपको क्वालिटी मैं दिखाने की कोशिश करूँगा, और इस क्वालिटी में देखते हैं मतलब जो क्वालिटी दे रहा है इस प्राइस रेंज में कितना सही है। चलिए मैंने यहाँ पे लैपटॉप के थ्रू कनेक्ट कर दिया है इसे HDMI में, और पावर दे दिया है, अभी मैं पावर ऑन करके देखता हूँ फर्स्ट टाइम। ओके डिस्प्ले तो काफ़ी सही है, और आप देख पा रहे होंगे, बट यहाँ पे जो मुझे दिख रहा है वो है यहाँ पे मुझे ग्राफ्स दिख, मतलब पिक्सल्स दिख रहे हैं, और आई थिंक ये वजह इसलिए है कि ये जो साइज़ है बहुत बड़ा हो गया, और स्टिल अभी भी 1080p रही है, तो आई थिंक इसलिए अगर आपको ये बड़ा साइज़ चाहिए तो कम से कम 2K या 4K तो होना चाहिए। सो मैं आपको सजेस्ट करूँगा, अगर आप बड़ा साइज़ का स्क्रीन ले रहे हैं तो उसे 2K पे ही प्रिफर करें, क्योंकि ये ऐसे पिक्सल दिखेगा, आप पास बैठ के इसे काम करेंगे तो आपको पिक्सल दिखेगा काफ़ी। सो अभी और हम कोई वीडियो चला के देखते हैं। तो मैंने जब इसे स्विच किया तो आपको एक सेटिंग दिखा देता हूँ, आप भी उस सेटिंग पे करना, सेकंड स्क्रीन ओनली करेंगे तो जो आप प्रोजेक्शन दे रहे हैं आप इस स्क्रीन के अकॉर्डिंग पूरा प्रोजेक्शन आपको अडॉप्ट कर लेगा स्क्रीन, तो यहाँ पर आपका जो सेटिंग है वो भी इंक्रीज़ हो जाएंगी, जैसे कि ये डिस्प्ले फुल HD है
तो यहाँ पे मेरा फुल HD में अपने आप स्विच हो गया, नहीं तो मेरा जो लैपटॉप का जो स्क्रीन है वो HD बस है। तो यहाँ पे ये फ़र्क है। और अब ग्राफ जो पहले ग्राफ बड़े दिख रहे थे ना, अब अपने आप एडजस्ट हो गए, काफ़ी सही ग्राफ दिख रहा है फुल HD के अकॉर्डिंग, बट फिर भी अभी काफ़ी बड़ा स्क्रीन है। सो अभी आपको मैं यूट्यूब पे कुछ चला के दिखाता हूँ जिससे कि आपको पता चल जाए। जो आप साउंड सुन रहे हैं ये डिस्प्ले का ही है, यहाँ से आ रही है। सो अभी हमने क्या किया कि टाटा स्काई को हमने कनेक्ट किया है। ये यहाँ पे टाटा स्काई है, टाटा स्काई को इसके थ्रू सो आप देख सकते हैं, आप इस पर TV भी देख सकते हैं। आजकल जो टाटा स्काई आ रहा है वो HDMI के साथ कनेक्टेड हो रहा है, तो आप देख सकते हैं। और जो मतलब डिस्प्ले की क्वालिटी है ना, और ये भी ज़्यादा इम्प्रूव हो गई। टाटा स्काई जो है फुल HD यहाँ पे प्रोड्यूस कर रहा है, और ये HD चैनल्स हैं आप देख सकते हैं। थोड़ा ब्लैक होगा तो दिखेगा, ये देखिए HD चैनल है। सो काफ़ी अच्छा, अगर आप इसमें अगर मल्टीपर्पज़ रखना चाह रहे हैं तो TV भी देख सकते हैं, और अपना जो पर्सनल कंप्यूटर का काम है वो सब भी कर सकते हैं। तो काफ़ी सही है, मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा। सो मेरा डुअल पर्पज़ इससे कंप्लीट हो जाएगा, गेमिंग भी, एडिटिंग भी, और अगर आपको TV देखना है तो आप TV भी देख सकते हैं। नो डाउट पैनल की जो क्वालिटी है काफ़ी अच्छी क्वालिटी है इसमें। IPS पैनल आपको यहाँ पे मिलेगा। सो और यहाँ पे जो स्क्रीन है वो मैट है, अगर यहाँ पे ग्लॉस होता ना तो आई थिंक कि और भी जो क्वालिटी है और भी ज़्यादा इम्प्रूव इन्हांस होके आती यहाँ पे। सो कोई नहीं, आजकल क्या है कि मैट जो है एज ए आई थिंक मेरे ख्याल से फीचर में आने लगा है, आपको सभी डिस्प्ले में मैट देखने को मिल जाएगा। बस आपको iMac में जो iMac की डिस्प्लेज होती हैं उस पर नहीं मिलेगा, बाकी सभी जो कंपनियां हैं आजकल मैट डिस्प्ले देने लगी हैं। और मैट डिस्प्ले का जो फ़ायदा है वो ग्लेयर्स नहीं आते हैं। आप जो ग्लेयर्स होते हैं, जो पीछे अगर आपकी लाइट जल रही है तो ग्लेयर्स जो प्रॉब्लम करते हैं वो नहीं होगा। और इसका जो व्यूइंग एंगल है, आप मैं इसे एंगल बदल के दिखाता हूँ, जैसे कि आप देखिए मैं ऑलमोस्ट इस एंगल पे आ गया, और आप देख पा रहेंगे वो एज इट इज़ कलर और जो डायमेंशन वगैरह फेस बिगड़ नहीं रहे। और ऐसे मैं इस साइड से भी जाके दिखाता हूँ आपको, सो आप इस साइड से भी देख सकते हैं, आप एकदम बगल से मैं दिखा रहा हूँ फिर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो ये काफ़ी अच्छा इन्होंने कर रखा है। तो ये रहा पूरा ओवरऑल डिस्प्ले का, मैंने रिव्यू कर दिया है। और यहाँ पे इसमें बहुत सारे फंक्शन भी हैं, तो अगर आपको एक सेपरेट वीडियो चाहिए कि मैं उसमें पूरा जो मेन्यू है वो डिस्क्राइब कर दूँगा। और ऑल ओवर आप इसको ले सकते हैं क्योंकि काफ़ी अच्छा है। इसके अदर कंपनी में अगर आप जाएंगे जैसे कि HP और सैमसंग हैं तो वो काफ़ी कॉस्टली भी हैं। 27 इंच का डिस्प्ले अराउंड आपको 19 से 20 हज़ार के समथिंग में मिलेगा। और अगर पैनल क्वालिटी की बात करें तो IPS पैनल है इसका, तो IPS पैनल है और बैकलेट इसकी स्क्रीन है, तो काफ़ी अच्छा यहाँ पे क्वालिटी आपको मिल जाता है देखने को। सो अगर आप ऐसे TV भी लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, नो डाउट। अगर मॉनिटर भी इन फ्यूचर आपको कनेक्ट कर सकते हैं इसमें, काफ़ी अच्छी क्वालिटी है आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। सो अगर आपको लेना है तो ले सकते हैं, थम्सअप है। काफ़ी अच्छे फीचर्स हैं इसमें, मैं फीचर की बाद में बात करूँगा क्योंकि इसे वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप पहली बार मुझे देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ऐसी बहुत सारी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आती रहेंगी। और लाइक कर दें अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो, काफ़ी मेहनत करके बना रहे हैं, गर्मी में पसीना आ रहा है। हाँ, अगर आपको चाहिए होगा वीडियो इसका फंक्शन के बारे में तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसका एक और वीडियो बना दूँगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।